नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर अपने सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में जो कुछ न्यूज़ मिला है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी तक सीबीआई इंक्वायरी तो सरकार ने दी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के लिए क्या दिक्कत है सीबीआई इंक्वायरी देने में, जो इतना टालमटोल कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार। और अब तो ये जानकारी आ रहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो जिंदा थे, ऐसा तस्वीर आ रहा है कि वो करवट बदले थे बीच में कहीं। अगर वो मुर्दा थे, मरे हुए थे, तो फिर उनके पैरों को क्यों बांधा गया था? जब पैर का मूवमेंट हो रहा होगा तो पुलिस भी थी वहाँ पर, सब कोई थे, उन्होंने देख रहे थे। तो क्या ये साजिश में पुलिस भी शामिल है? तो अगर पुलिस भी शामिल है तो इसमें सरकार भी शामिल है, उद्धव ठाकरे भी शामिल है। अगर उद्धव ठाकरे भी शामिल है तो फिर उनसे सीबीआई का इंक्वायरी का आशा करना कितना बड़ा मूर्खता है। कभी भी क्या अपने आप को पकड़वाना चाहेंगे कि मैंने चोरी किया है? मैं तो यही कहूँगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार कभी भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं देगी। और कोई तरीका है तो ज़रूर, लोग बड़े बड़े लोग अभी इसमें शामिल हो गए हैं, कूद गए हैं इसके इस लड़ाई में, सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, उनसे कुछ उम्मीद है कि वो ज़रूर कुछ रास्ता निकालेंगे सीबीआई इंक्वायरी का। इसमें पूरा महाराष्ट्र का सिस्टम शामिल है इस महान सपूत को मारने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहारी है इसलिए उनके खिलाफ उनके उनसे कोई अथी नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनका लाखों फैन ऑल ओवर वर्ल्ड था, वो बिहारी थे या पंजाबी थे इससे क्या मतलब है? मैं सबसे बड़ा यही कहूँगा कि ये सब बात नहीं है, बात यही है कि इसमें पूरा सिस्टम शामिल है महाराष्ट्र का। और उनको लगता था कि ये तो मर जाएगा ऐसे ही, इसमें क्या है, छोटा मोटा कलाकार है सुशांत सिंह राजपूत, कोई सलमान खान तो है नहीं, शाहरुख खान, कोई खान, कोई कपूर तो है नहीं, दिव्या भारती, जिया खान जैसा ये भी छोटा मोटा कलाकार है, मर जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे लोग भूल गए जिया खान को, दिव्या भारती को, वैसे इसको भी भूल जाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये अलग इंसान था, ये इसका कोई गॉड फादर नहीं था, ये सच्चाई के रास्ते पर चल करके मुकाम पाया था। अब एक ऐसा इंसान था जो कि हजारों साल में एक बार आता है, इतना टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड आदमी मैंने तो नहीं देखा, जो कि पढ़ाई में भी इतना अव्वल था, फिजिक्स में भी उसका उतना ही रुचि था, इतना बड़ा कलाकार था, और उनमें कितने कितने टैलेंट भरे हुए थे, वो प्लेन चलाना जानते थे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जितना कहा जाए कम है। तो वैसे महापुरुष का जब हत्या होता है तो लोगों को नींद हराम हो जाती है, और दिव्या भारती और जिया खान जैसे कोई एक छोटा मोटा कलाकार नहीं थे सिर्फ, वो एक बहुत बड़े इंसान थे। और उनका ये बात ज़रूर है कि उनको समझ में लोगों को उनके जाने के बाद आया, मैं भी उनको उतना बड़ा फैन नहीं रहा कभी, लेकिन आज उनके लिए वीडियो पर वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि वे एक अच्छे इंसान थे और वो उनको जानने का प्रयास आज भी जारी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल, डॉक्टर बिल्कुल भगवान नहीं है, ऐसा हमको मानना चाहिए। ये सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा ही पोस्टमार्टम कर दिया, क्या किया मालूम नहीं, क्योंकि वो घर से गए थे तो वो जिंदा थे। सबसे बड़ा साजिश का ये भी कारण है कि उन्हें बैंद्राज उनका घर था, वहाँ से कूपर लीलावती हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है, वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया, कूपर हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? और उनका जो एम्बुलेंस था वो रास्ते में बदला गया, क्यों, किस कारण से बदला गया? ये सब साजिश में कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन ये सब काम कर रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े इंसान एक्टर को जब न्याय नहीं मिल सकता है तो हम लोगों का क्या औकात है?
इसलिए इस देश के सिस्टम को सुधारने के लिए जंग को लड़ना होगा, जीतना होगा। हम लोग मिल करके ये एक आज़ादी की लड़ाई जैसे लोग लड़ते थे वैसे ही ये बहुत बड़ा जंग है, इसको लड़ना भी है और जीतना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये सिस्टम आम लोगों के लिए भी कुछ काम करेगी। नहीं तो अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला तो फिर कल हम लोग भी गुमनामी के मौत मरने के लिए तैयार रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा, पूरा सिस्टम शामिल है महाराष्ट्र का, पूरा करप्ट है वहाँ का सिस्टम, सीएम, पुलिस, कोर्ट तो नहीं कर सकते, सीएम, पुलिस, डॉक्टर, जो भी सिस्टम है पूरा लोकल सब मिला हुआ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमको ये जंग को जारी रखना है और बहुत भगवान रास्ता दिखाएंगे और हम लोग जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुशांत सिंह अमर रहे।